लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। एक छोटे से स्केल से अपने ब्रांड पंपकार्ट की शुरुआत करने वाले के.एस. भाटिया आज अपने प्रोजेक्ट को नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ले जा चुके हैं। के.एस. भाटिया ने आज पंपकार्ट वैन के रूप में एक नया आइडिया लॉन्च किया है। पंपकार्ट वैन काफी अलग सोच के साथ ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि शहर के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। पंपकार्ट वैन जैसी मुहिम को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंजाब के किसानों के लिए सचमुच अच्छे दिन आ रहे हैं। के.एस. भाटिया ने पंपकार्ट वैन द्वारा पंजाब को एक नई सोच का तोहफा दिया। उन्होंने बताया कि ये एक मूविंग स्टोर की तरह काम करेगा, जिसे हम मोबाइल ई स्टोर भी कह सकते हैं। मोहाली के पीसीए स्टेडियम में नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पंप कार्ट वैन की इस मुहिम को हरी झंडी दी गई। उन्होंने कहा कि इस किसानों के बेहतर भविष्य के लिए के.एस. भाटिया ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जो न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे भारत के लिए कारगर साबित होगा। वहीं कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ी को पंप कार्ट वैन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब जैसी उपजाऊ भूमि के लिए पंप कार्ट वैन जैसी सुविधाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस कार्यक्रम में सीईओ डॉक्टर रितेश मलिक एवं आईएएस के मेंटोर विवेक अत्रे भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि के.एस. भाटिया के इस मूवमेंट से किसानों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। वहीं विवेक अत्रे ने कहा कि हरियाणा सरकार को भी ऐसे कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सब तो पहली गल पानी दुध च मिला दो ना ते पानी दुध दे भाव विकदा है। सब तो पहला तो संगत की गल है, मेरे हीरो मेरे रोल मॉडल मेरे चाइल्डहुड हीरो जिन्होंने देख के मेरे अंदर विश्वास जा गया। एक इंट्रोवर्ट तो मैं एक्सट्रोवर्ट बनया और हिंदुस्तान सारे नूं ये यकीन होया कि हिंदुस्तान दुनिया च बेस्ट हो सकता। सब तो पहला तो खुशी है कि मैं उन्होंने नाल अज स्टेज शेयर की है, मेरे लिए बहुत वड्डा ऑनर है। दूजी गल अज दी डेट दे विच विज्ञान पलांगा मारदा है, विज्ञान ने बोलियां नूं कन्न दित्ते है, अन्नियां नूं अक्खां दित्तियां, इंसान का जीवन दीर्घ कर दिता है और अज इह जी स्टेज आ गई है भी खूह प्यासियां कोल जांदा है। तुसीं वेखो कि एमेजन नूं जदों तुसीं देखदे हो घरे बैठे जो मर्जी खरीद लो, नहीं तो अगर दुकाना मॉलों मूलों सारिया बंद होने जानी है, तुम देखो तुहाडे मोबाइल के उत्ते तुहाडी जिंदगी आ जानी है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन लाइफ एज इन चैस इट इज़ फोर थॉट दैट विन्स। फोर थॉट हुंदा मतलब बंदा अगे देख सके, तो अगे देखते हुए जिहड़ा भाटिया साहब ने स्टैप चुकया ये बहुत वड्डा उपराला है। किसान का जीवन बड़ा आसान करेगा, कमोडिटी वो घर पहुँचूगी घट दामा च पहुँचूगी, चंगी क्वालिटी ना पहुँचूगी, जिम्मेवारी ना पहुँचूगी, रिसपोंसिबिलिटी ना पहुँचूगी। इस करके मैं भाटिया साहब नूं वधाई दिंदा है। कहिंदे जी बड़े फेलियर होए है, पर मैनू लगता कि अज जिहड़ा ब्रांड अंबैसडर है उहदी आपदी एक क्रेडिबिलिटी है। और अब्राहम लिंकन भी 16-17 बार हार के फिर प्रेजिडेंट बने सी अमेरिका दे। मोस्ट सक्सैसिज आर बिल्ट ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ फेलियर्स। आई विश हिम ऑल द लक, आई विश दैट हिज एंटरप्रेन्योरशिप रीचेज न्यू हाइट्स, द एक्मे ऑफ परफॉर्मेंस। इतना बढ़िया काम कर रहे हो जो जो किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जो जिसके बारे में पंजाब माना जाता है कि सबसे उपजाऊ जगह है, और यहाँ पर अगर हम ये छोटी छोटी उनकी मदद करें तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। बहुत अच्छा लगा, नए आइडियाज़ है, नई सोच है, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा स्टेट हमारा देश इससे आगे बढ़ सकता है। और तो पूरी गवर्नमेंट भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं कि देश आगे बढ़ना चाहिए, कि अगर आपके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, फ़ायदा हो सकता है। और आखिर में ज़िंदगी इसीलिए बनाए कि आपका फ़ायदा कहाँ पर ज़्यादा होता है, जो गलत काम ना हो, सही काम के साथ आप और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स का नई स्टेज है। अगर आप देखें ई कॉमर्स के अंदर लोगों को टच एंड फील रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो वो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है नहीं है। ये कॉन्सेप्ट चाइना में चलता है, जिसे बोलते हैं ओ टू ओ, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ई कॉमर्स वहाँ पे बूम कर रहा है। इंडिया में इतनी ग्रोथ नहीं, आज भी पूरा टोटल ई रिटेल जो है 2-2.5% है पूरे इंडिया में। पर अगर ये टच एंड फील में शिफ्ट हो जाए ई कॉमर्स की, आप टच एंड फील कर सको, वहीं ऑर्डर प्लेस कर सको, तो दिस विल रियली इंक्रीज द ई कॉमर्स। और उसके अलावा अगर आप देखो अमेज़ॉन ने भी ऐसे ही स्टोर खोले हैं, पर वो स्टैंडिंग स्टोन है। ये स्टोर जो है ये मूव करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि ये चलने वाली शॉप है।
ये पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा. वी वांट टू टेक टू एवरी फार्मर्स, वी वांट टू टेक टू द एवरी रिटेलर्स, हाउस होल्ड्स के पास लेके जाएंगे. जी, लोगों को एजुकेट करना है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा. सर यूएसपी है कि जब टच एंड फील करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि पंप लेना है तो पंप कार्ड के थ्रू. अब किसी को भी एजुकेट करो, जब ये कॉन्सेप्ट ही शुरू हो जाए कि एजुकेट करना है तो वो उसी पर ट्रस्ट करेंगे. आज प्लम्बर जो है, चाहे वो एजुकेट करता है या बेवकूफ़ बनाता है कस्टमर को, पर लोग उस पर करते हैं ट्रस्ट कि नहीं प्लम्बर बोल रहा है तो यही लेना है. तो मिडल मैन शुड बी आउट, तभी फ़ायदा होगा. अगर फार्मर्स को बीच में से जितने मिडल मैन निकल जाएँ तो पुअर फार्मर्स को फ़ायदा होगा, हाउस होल्ड वालों को भी, सारे कस्टमर को फ़ायदा होगा. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो यही तो कहते हैं, तो वही तो कर रहे हैं हम लोग. पम्प्स को ऑनलाइन बेचना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आज भी लोग प्लम्बर्स पे डिपेंडेंट हैं, मैकेनिक्स पे डिपेंडेंट हैं. वो ऑनलाइन नहीं जाते हैं, वो प्राइस जरूर चेक करते हैं बट खरीदते नहीं हैं. अगर ये पम्प्स को बेचना है तो टच एंड फील शुड बी गिवन. अगर टच एंड फील होगी, उनको ट्रस्ट ब्रांड है ये कि हमने देख के पंप लिया है, ठीक है. और हमारे यहाँ पे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन से दे कैन प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन, अंदर ही बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं. 8-10 बंदे इकट्ठे अंदर जाके वाईफाई ऑन करके 10 बंदे इकट्ठे ऑर्डर कर सकते हैं. ये पंपकार्ट एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट है भाटिया साहब की. आज से एक साल पहले जब मैं भाटिया साहब से मिला था, उन्होंने कहा एक हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि अगर हमारे सारे प्रोडक्ट्स देखें, हमारा ओला कैब्स ऊबर का कॉपी है, हमारा फ्लिपकार्ट अमेजोन का कॉपी है. इंडिया की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं स्टार्टअप्स की, वो कोई भी केटर नहीं कर रहा था. आज हमारा जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा किसान फोकस्ड जो हमारा देश है, उसके लिए आज तक कोई कुछ नहीं कर रहा था. 27% जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो पानी की वजह से लैक करता है. तो उसके लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट है. पंप से बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और ये भाटिया साहब की मूवमेंट एंड पंप कार्ट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ये वैन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये जो मिशन है, ये एजुकेशन का जो मिशन है, ये किसानों तक जाए सीधा, किसान इसको समझ पाएँ, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इससे उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं. एक एवरेज पंप 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाता, कायदे से 9 से 10 साल चलना चाहिए. एक एवरेज पंप के ऊपर किसान 200 से 300% का फालतू का मुनाफा एक प्लम्बर को देता है. तो डायरेक्टली ये पंप के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये किसान के लिए ही नहीं, एक नॉर्मल जब हम लोग सुबह उठते हैं, अगर आपके वॉशरूम में पंप ना हो तो आप मुँह कैसे धोएंगे, आप अपना नहाएंगे कैसे. तो पंप एक बड़ा ही हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है. और उसी के कारण प्रोजेक्ट गोरिल्ला जो हमारी कंपनी है दिल्ली बेस्ड, इस हमने पंपकार्ट में इन्वेस्ट किया. ये बड़ी इनोवेटिव चीज़ है, इन्होंने नई सोच रखी है जो फार्मर्स तक पहुँचने वाली. तो इनोवेशन हमेशा कामयाब होती है. तो इन्होंने जो पंपकार्ट ने इनोवेशन की है, ये इस किस्म की है कि फार्मर के साथ डायरेक्टली इनका टाइप हो गया और ये रिवोल्यूशनाइज करेगा. तो इनकी रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में. तो अगर ये इनोवेट करके सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा. तो ये है कि फार्मर को एक टेक्नोलॉजी से परे रखने का जो पहले लगता था वो नहीं है. अब टेक्नोलॉजी और फार्मर एक ही चीज़ है. तो जितनी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये पंपकार्ट का इनिशिएटिव है, इसी तरह हम उनको, फार्मर को, उनके बिज़नेस इम्प्रूव होगा, उनके कॉस्ट डाउन जाएंगे और बिजनेस इम्प्रूव होगा. सरकार ऐसे नए इनिशिएटिव को इनकरेज करे, वो अच्छी बात है. नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.